सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी था मतलब आज भाभी का भी तबीयत खराब हो गया है। वो इन घर में पता नहीं कैसे हो जा रहा है। आशी को हुआ था शायद, उनसे हो गया होगा। देखिए चलते हैं, दवा लेते हैं। सुबह है, वायरल सबको हो जा रहा है। आशी से मुझे लग रहा है कि इनको आ गया है, क्योंकि आशी को हुआ था इसकी वजह। और अभी सुबह सुबह है ना, पूरा दुकान भी नहीं खुला, नहीं तो अभी इतना ज़्यादा इधर भीड़ हो जाता है। मतलब ये सब पूरा भरा रहता है, अभी तो उतना है भी नहीं पूरा। चलो अब आते हैं, यहाँ पे मेंदू वड़ा खाते हैं। यहाँ पे मेंदू वड़ा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। चलो इसको खाते हैं। तो इस दवा ले लिए, ये एलर्जी की और ये सिरप है, और सब दवा था ही इसलिए सब हो गया। ये बस दो ठो लेना था। मेरा शेर आज उठ गया है पहले ही। क्या शेर, आओ इधर आओ। नहा लिए क्या इतना जल्दी? क्या बात है, वाह वाह, फ्रेश हो गया है। चाचू ही तो नहीं नहाया यार, जा रहा है, मैं भी नहाने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, परफ्यूम मार रहे, एक इसमें निकालो। हाँ लो, जाओ वहाँ पे एक देख के आओ है कि नहीं। पहले मार लो, मार के तब जाओ। दोनों मारे तो ए, 10:30 बज रहा है। क्या कोई सोने नहीं दे रहा है? अबे 10 बज रहा है पागल, 10:30। वो देखो 10:30 बज रहा है, कब तुम उठोगी? हाँ अरे यार, यहाँ आके कितनी आसकती हो गई है। सुबह ही उठ, घर पे सुबह 6 बजे आके उठ के हम लोग को उठाती थी ये। इस समय ये 11-12 बजे तक सो रही है। पीहू, बल्कि ये उठ के पीहू को उठाती थी। यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है। हाँ पीहू, पीहू 10 बजे तक 9 बजे तक सोती थी वहाँ पे, बल्कि ये उठ जाती थी बदमाश। इसका देखो अभी, वो देखो 10:30 हो रहा है पर अभी उठी नहीं है। उठ जाओ, उठ जाओ यार, नीचे गिरो, नीचे गिरो, उठो उठो उठो। देखा नीचे सो गई जाके, सो निकालने आया है। ये कब से वहीं पे खड़ी है? ये खड़ी है कब से? अब कुछ नहीं दबाना है। जल्दी जल्दी चला जाए। अच्छा दबाओ, क्या नहीं, और थोड़ी ना होएगा। चलो बस बस बस, चलो और चलो, पैसा दो, पैसा दो, नहीं गिर जाएगा बेटू, पैसा दो। है। अच्छा ठीक है, मैं आप भी में रख रहा हूँ। ये पैसा कम है, अंकल से और मांगो। अंकल अभी ये मुझे दो, आप बड़े हो जाना तब रखना पैसा। अंकल मैं ज्यादा वाला रखता हूँ, आप कम वाला रखो। अभी दे रहे हैं वो, रुक जाओ। तो ये हम लोग भुट्टा लिए हैं खाने के लिए।
यहाँ का भुट्टा बहुत अच्छा होता है, मीठा एकदम होता है। ये लेने आए थे पीहू को खाना था और भेल लेने आए हैं। क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए, कितना चाहिए? सारा। अब अंकल को देना आप, पैसा है आपके पास है तो। थर्टी रुपीस, कितना है उसमें? भुट्टा बोलते हैं, खाते हैं इसको। कल मैं एक्चुअली गया था बुआ के यहाँ, वहाँ खाया था तो काफ़ी मीठा था यहाँ का, इसीलिए मुझे खाना था तो मैं लेके आया। ये देखो भून रहा हूँ अभी, चलो खाते हैं फिर मिलते हैं। खा रहे हम लोग भुट्टा, नहीं इसे घर पे पूछ के इस चल रहे हैं अब घर, क्योंकि अभी 9 बजने वाला है, 9 बजे 11 बजे ट्रेन है, कल सुबह 12:30 बजे उतारेगी, तो अभी निकलते हैं, चलते हैं यहाँ से। ठीक है, हम और भैया, मम्मी तो नहीं जाएंगी, मम्मी बाद में आएंगी। चलिए आगे मिलते हैं। आशी पीहू सो रही हैं, देखिए दोनों सो रही हैं, दोनों उसको देखिए बदमाश को, ये देखा है। सो तुम लोग आ रहे हैं, सो बाय बाय मिठू। चलिए मम्मी जा रहे, भाभी चलिए, भैया चला जाए, कहाँ गई? बाय 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 भाभी। सो गाइस अभी निकल रहे हम लोग, निकलते हैं, चल रहे हैं स्टेशन। मुंबई में लोग ऐसे लटक के जाते हैं, वहाँ पे ऐसा हाल है मेरा, तो देख के एकदम हालत ख़राब हो गया, बाई चांस कुछ हो ना जाए। तो स्टेशन अभी आ गए हैं हम लोग, करीब अभी 10:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, 11:30 बजे की ट्रेन है, तो अभी निकलते हैं हम लोग, अभी अभी 1 घंटा टाइम है, आ गए सही टाइम पे, फिर अभी वेट करते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी पहुँच गए हैं स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, ये इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे, मतलब सेंट्रल लाइन है, इसलिए सेंट्रल रेलवे लिखा है, और लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंच गए, तो चलते हैं हम लोग। ये तो बढ़िया है, ये सीएसटी का बना हुआ है क्या? हाँ ये सीएसटी का बना हुआ है पूरा, सेंट्रल रेलवे का, आपको दिखाते हैं। Oh, there's something in my chest that I can't hide. ट्रेन में बहुत ज़्यादा नॉइस होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया था, ये उस दिन का 11:30 बजे का जब हम वहाँ से निकले थे, और उसके बाद तो गाइज यही रूट था जो हम लोग पूरा लेकर आए थे बाइक कार से, और इसके बाद पहाड़ स्टार्ट होता है, उसके पहाड़ के अंदर से पूरा गुफा बन, गुफा में नहीं फिलहाल में आगे ऊपर से चढ़ा के था, गुफा नहीं था कोई भी जिस साइड से हम लोग आए थे, ऊपर ऊपर हम लोग पहाड़ से आए थे जो काट के बना हुआ था। बैठे हैं ना, ये जयानगर ट्रेन है, पवन एक्सप्रेस,
इसमें यार इसकी बाथरूम एक भी नहीं सही है, एक भी ढंग के नहीं है। पीछे गए तो पूरा छत ही गिरा है, इधर गए रहे तो पूरा बेसिक वॉश बेसिन टूटा हुआ है, एक में गए तो पूरा क्या क्या पता है दिमाग खराब हो गया। कल से सब एकदम इंक्वायरी लेने आ रहे हैं, कोई सही नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, अभी का सीन यही है कि सुबह वो अब यही है सीन की घर जाके फ्रेंच होंगे, करीब एक डेढ़ एक दो बन जाएगा। जब फ्रेंच नहीं होंगे ब्रश नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो कुछ खाएंगे नहीं, तो ऐसे ही चलना है आज दोपहर तक। चलिए तो फिर एक बजे तक घर पहुँचेंगे, मिलते हैं वहीं पे। तो गाइज अभी ढाई बज रहा है, तो हम लोग अभी ढाई बजे का करीब मतलब डेढ़ बजे ट्रेन रोकी थी, तो एक घंटे में हम लोग घर आ गए हैं। और अब घर आके अभी सो गया था, नहा वहा के सो के उठाऊँ तो अभी आपको वीडियो बता रहे हैं। और इतनी गंदी ट्रेन थी ना कि क्या बताएं एकदम। और भैया का एक चीज़ ये भी है कि भैया का स्लीपर ही वहाँ से चोरी हो गया। रात में एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि मतलब सामान अपना रख रहा था, भैया उससे बोले कि देखो स्लीपर ऊपर गायब ना हो, और एक पैर का गायब कर दिया, एक पैर का था। और यहाँ से जूता लेके गए थे, शूज लेके गए थे कार में रखे थे डिग्गी में, और मुंबई में पहने ही नहीं। इतनी बारिश हो रही थी कि मुंबई में पहने नहीं, लास्ट में आके यही बनारस में पहने। तो ये चीज़ था। और अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा काम भी था, करते हैं फिर चलते हैं। तो चलते हैं अभी बाहर, अभी काफ़ी दिन हो गया है गाड़ी भी नहीं चलाए हैं, बाइक कुछ काम था सामान लेना था सामान लेते हैं, बाइक अब चलाते हैं। देखिए ये रही चमचमाती मेरी बाइक, और ये रहा हेलमेट। चलो चलते हैं, पहले तो इसमें तेल भरवाएंगे, तेल नहीं है एकदम, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं आगे। तो अब तेल भरवा लिए हैं, चलते हैं तेल भर। यहाँ बाइक दिखाने आए हैं, यहाँ पे इसमें क्या है कि ये ब्रेक मारने पे ये देखो नीचे हो जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसी को दिखाने के लिए आए हैं, दिखाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर वीडियो अभी तक देखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, आशी भैया की बहुत याद आ रही है, क्योंकि अभी इतने दिन बाद मिले भी थे और दो ही तीन दिन रुके, तो इसकी वजह से आशी भैया को बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए तब ठीक है।